जूते के विशेष सोल से करोड़ों का विदेशी सोना जब्त, दो गिरफ्तार। जूता के विशेष सोल बनाकर करोड़ों रुपए की विदेशी सोना के बिस्किट, सिलीगुड़ी के रास्ते दिल्ली में तस्करी कांड का डीआरआई ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में दो तस्करों को डीआरआई ने बीती रात एनजेपी स्टेशन पर अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के नाम निजामुद्दीन और अंसरुल खान है। निजामुद्दीन उत्तर प्रदेश का और अंसरुल धनबाद का निवासी है। जानकारी के अनुसार डीआरआई को गुप्त सूचना मिली कि विदेशी सोना सिलीगुड़ी के रास्ते दिल्ली में तस्करी होने वाली है। तस्करी के लिए दो तस्कर करोड़ों का सोना लेकर अगरतला रानी कामलापति ट्रेन के S6 और S8 नंबर बोगी में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए हैं। सूचना पर बीती रात ट्रेन के एनजेपी स्टेशन पहुंचने से पहले डीआरआई की टीम ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद अभियान चलाकर निजामुद्दीन और अंसरुल खान को पकड़ लिया गया। इसके बाद एनजेपी स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद दोनों को सिलीगुड़ी डीआरआई यूनिट ले जाया गया, जहां पर तलाशी के दौरान डीआरआई की टीम को निजामुद्दीन और अंसरुल के जूते के नीचे बने विशेष सोल से 16 पीस सोने का बिस्किट बरामद हुई। सोने का कोई भी वैध कागजात नहीं दिखाने पर तस्करी के आरोप में दोनों को डीआरआई ने गिरफ्तार कर लिया। बरामद सोने का वजन 2 किलो 355 ग्राम है, जिसका बाजार मूल्य 1,40,00,000 से अधिक है। वहीं डीआरआई ने दोनों का फर्जी वोटर कार्ड भी बरामद किया है, जिसके माध्यम से दोनों ने ट्रेन का टिकट बनवाया था। आज गिरफ्तार दोनों तस्करों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों आरोपी पुराना सोना तस्कर है। कुछ वर्ष पहले भी ये दोनों सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। डीआरआई पूरे मामले की जाँच कर रही है।